तो गाइज मैं यहाँ नोवो में उतरा था। तो देखो यहाँ पे जो प्योर फाइट होती है गाइज नोवो में उतरने के बाद की, एक गन ली और दूसरे गन वाले को मार दिया, तो वो तो जीत गया मैं। अब यहाँ पे खेल रहा था सोलो वर्सेस स्क्वाड, तो यहाँ पे गाइज मैंने दो नोक कर दिए इस स्क्वाड के, एक को फिनिश डाल दिया था, तो मैंने बोला पुश करते हैं। तो गाइज इसको देखना है रिफ्लेक्स। तो गाइज देखो तीन नोक कर दिए, अब मेरे को पता है चाहे गोलियाँ कम है वैसे नहीं है, मेरे को पता है कि निकाल लूंगा मैं, ठीक है, क्योंकि लास्ट बंदा बचे। तो देखो यहाँ पे उसने मेरे को डैमेज तो दे दिया फिनिश करते करते, पर वो आ नहीं पाया क्योंकि उसका एक बंदा बच रहा है, तो वो करेगा हील करेगा उसको, ठीक है। तो यहाँ पे देखो गाइज ये लास्ट बंदा, इस पे पुश किया, अब इसको 1v4 कर देंगे। तो गाइज ये ही मेरे डिसीजन मेकिंग, मैं आपको बताता रहूँगा अभी क्लचेस में, तो जैसे आपको लगे तो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और मेरे को बताना ऐसे चाहिए और वीडियो। तो गाइज यहाँ पे मेरे अभी उतरा था ये मेरे साथ, मेरे को गन मिल गई, तो मैं इसको ख़त्म करना चाहता हूँ क्योंकि भाई मैं अकेला हूँ और वो चार है, तो मैं सबको लूटने नहीं देना चाहता। तो यहाँ पे देखो गाइज इसके साथ भी मैं पुश किया था ना इस पे, तो यहाँ पे क्या था कि इसके बंदे राइट लेफ्ट थे, तो मेरे को पता था कि इसको अकेले 1v1 लेना बहुत ज़रूरी है, तो मैंने इसको पिन करके नीचे बुलवाया और 1v1 लेके नोक कर दिया। तब तक इसका दूसरा बंदा भी आ गया, इसको पता ही नहीं क्या हो रहा भाई को। तो यहाँ पे तो गाइस दो नोक हो गए, एक को फिनिश डाल दिया था, अगला बचा लास्ट बंदा, वो रिवाइव देगा ऑब्वियसली, मेरे को पता है, तो मैं रिलोड करी गन और मैं पुश कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो उसको थोड़ा सा डैमेज दिया, इसको फिनिश डालूंगा, क्यों, क्योंकि वो उसका पैनिक बड़े और समझ रहे हो। तो यहाँ पे देखो गाइस फिर से वो नेड पुल ट्रिक, और यहाँ पे मैंने एक और 1v4 निकाल दिया। तो गाइस इसके लिए लाइक कर दें। तो गाइस यहाँ पे मैं जा रहा था घूमता घूमता जोन, और यहाँ पे गाइस ये देखो ये बंदे कैंप कर रहे हैं, ठीक है, मतलब जोन तो नहीं जा रहा, मैं रश करने के लिए गाड़ी ढूंढने जा रहा था, तो भाई के साथ तो बुरा हो गया, अब इसको नेड से फोड़ दें। तो गाइस अभी यहाँ पे एक स्कैम होने वाला है, मेरे को लगेगा कि इसके बंदे आ रहे, पर वो बोट निकलेगा, और बोट की जगह दूसरी जगह मेरे को बोट लगे वो बंदा निकलेगा, ये बोट था। अब देखना अभी जैसे यहाँ पे मैं ऊपर वो अंदर रिवाइव हो गया, तो मेरे को पता है अभी मैं मोली बोली नेड वेड करूँगा, ऐसे तो पुश नहीं करने वाला, अकेला हूँ तुमको पता ही है। तो यहाँ पे मोली कर दिया, तो मेरे को पीछे साउंड आ रहा था, तो वो देखना डैमेज दिया मेरे को, बोर्ड था वो, ये निकला बंदा, तो इसको मार दिया, पता नहीं कौन था मस्ती कर रहा इधर। तो एक बंदा तो मोली से जल जाएगा, यहाँ नहीं जलेगा, सॉरी वो जलेगा नीचे क्योंकि वो कूद गए थे तभी, तो मैंने यहाँ पे भी मोली कर दी ताकि वो एक आधा जल जाए। अभी देखना गाइस रिफ्लेक्स, IQ डिसीजन मेकिंग के साथ साथ अगर रिफ्लेक्स भी हो तो मज़ा ही आ जाता है गाइस देखना। भी मेरे को लगा ये जब वहाँ मोली इधर ही होगा लेफ्ट में, तो मैं नोक वाले को मारता हूँ, देखना वो घूम के इसको कैसा पड़ गया। तो गाइस लाइक कर देना इस रिफ्लेक्स के लिए। तो गाइस अब ये वाला क्लच देखना, इसमें ये एंगल बना रहे सारे सारे, और एक बंदा पुश कर रहा, एक छत पे, एक लेफ्ट साइड पर है, और एक रोड पार वाले घर पे बैठा है, ठीक है। तो एक को तो नो फिनिश डाल दिया, अब इन बंदे ये भी एंगल्स पे ही अटके पड़े हैं, ये ऐसा नहीं कि हाँ एक बंदा फिनिश कर दिया। तो देखो ये टिप्स एंड ट्रिक्स कर रहा भाई, एक वहां से देखना घर से वो जा रहा है कि वहीं से खिड़कियों से मारूंगा, ठीक है, पर तुम्हारे भाई को तो एंगल सारे पता है, ठीक है, मेरी पुचिंग की गाइड नहीं रही गाइस, तो देखना। तो ये मेरे को मोली की साउंड आ गई थी गाइस, अब देखो मेरा डिसीजन, मैं जाऊंगा इसको फिनिश करने, क्यों, क्योंकि उन पे पैनिक डालना है, ये बंदा चिल्लाएगा तो वो पैनिक करेंगे, तो वो पैनिक करके देखो एक आगे आ गया ये वाला, तो वो दोनों पुश कर रहे हैं, ठीक है। अब इन वो देखो दूर वाला पुश करेगा, इसको फ्री फायर दे दिया सीधे, अब बचन का लास्ट बंदा, ठीक है, इसको डैमेज दे दिया। थ्रो नहीं करना गाइस, कभी भी फालतू थ्रो नहीं करना, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, तुम्हारा डाटा जा सकता है, पिंग हाई हो सकता है, तो तुम्हारा भाई आराम से एंगल बना के जाएगा। अब बचा 1v1, अब देखना गाइस इसको फिनिश करने ट्राई करो, क्योंकि वो जल्दी भाग के आए बचाने इसको, समझ रहे हो, इसलिए और कुछ नहीं, यही मेन मोटिव। अब देखो ये निकल नहीं रहा, तो देखो वही नेड पुल ट्रिक, ये तुम हमेशा ट्राई कर सकते हो गाइस, ये देखो नेड पुल, और वो भागा, और यहाँ पे 1v4 एक और हो गया। तो गाइस अभी तक वीडियो पसंद आ रही तो लाइक करना, एक और 1v4 आ रहा है गाइस, ये भी इंटेंस था, यहाँ पे भी एंगल और फ्लैंक हो रहा है। तो यहाँ पे फिर से नेड पुल ट्रिक करके मैंने उसको मोली करने विवश कर दिया, और मैंने उसको मार दिया गाइस। अब देखना स्कैम, इसको मैं पुश करने जा रहा हूँ, तो इसके बंदे एंगल अभी भी एंगल होल्ड करके रखे, ताकि उनको एक गलती मिले और मैं मर जाऊँ, क्योंकि मैं तो एक ही हूँ, ठीक है, सोलो वर्सेस स्क्वाड में, इसलिए टफ है। तो एक बंदा लेफ्ट से फ्लैंक कर रहा है, क्योंकि यहाँ से मान, अब देखना गाइस उस भाई के साथ क्या होगा। मेरे को पता है राइट पे तीन है, एक नोक है और दो उसको वो कर रहे हैं, तो ये देखो ये भाई को उसको नोक, और इसके साथ साथ फिनिश, फिनिश करना बहुत जरूरी है गाइस जब भी तुम सोलो वर्सेस स्क्वाड खेलो, क्योंकि वहाँ पे बीटी रहता है, अगर तुम्हें सिर्फ उठने दिया ना तो मारेगा। अब देखो गाइस मेरे को पता है वो रिवाइव हो रहा है, और मैं नेड पिन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उनको लगे कि मेरे को पता है कहाँ रिवाइव हो रहा है, और वो रिवाइव ना पकड़े। अब देखना गाइस यहाँ पे राइट लेफ्ट थोड़ा सा उनको टाइम वेस्ट करूंगा, और वो बंदा जो पैनिक में लास्ट मतलब ब्लीड हो रहा है, सबसे पहले नोक करा था ना, उसको पकड़ने के लिए ये बंदा यहाँ बैठ जाएगा। देखो ये रिवाइव पकड़ा, मैंने इसको नोक किया, वो ब्लीड हो गया जिसको पहले नोक करा, ठीक है। अब मैंने तीन नोक कर दिए, अब बचा लास्ट बंदा, इस बंदे को भी थोड़ा सा डैमेज दे दिया, क्योंकि उसने मेरे को दिया था, तो मैंने जल्दी से हील लगाया। अब देखना गाइस वो बंदा तीसरे बंदे को रिवाइव कर रहा है, तो मैंने इसको नेड पुल करा, उसको दिखाया कि मैं नेड कर रहा हूँ, समझ रहे, तो वो रिवाइव छोड़ के भागा।
तो देखना गाइस वो यहाँ से प्री फायर दे रहा है, मेरे को पता इधर से आएगा तो मैंने इधर प्री फायर दिया। तो गाइस क्लच हो गया गाइस, तो लाइक कर देना। राधे राधे।